हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लाइव यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको हरियाणा ले चलते हैं, एक मंदिर का दर्शन कराते हैं जिसका नाम है कालिका, जिसे शनिदेव मंदिर कहा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको इस वीडियो में इस मंदिर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि यहाँ आने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है और शनि देव को क्या क्या चढ़ाया जाता है ताकि सुख शांति मिले, और मंदिर के आसपास के मंदिरों के बारे में बताएंगे और अच्छे स्थानों के बारे में बताएंगे, जैसे शिमला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और मंदिर का रीति रिवाज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। शनि देव मंदिर कालका में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कालका शनि मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित है और विभिन्न भागों से भक्तों को आकर्षित करता है। अगर आप कालका में शनि देव मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी मदद करेगी। चलिए स्थान के बारे में जान लेते हैं। शनि देव मंदिर कालका शहर के मध्य में स्थित है। कालका राजमार्ग और रेल मार्ग से सुविधाजनक रूप से जुड़ा हुआ है और नजदीकी शहरों जैसे चंडीगढ़ और शिमला से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हम आपको साधन के बारे में बता देते हैं, किससे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हवाई जहाज से कैसे पहुंचेंगे। नजदीकी हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, जो कालका से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी करा सकते हैं या मंदिर तक पहुंचने के लिए बस का उपयोग कर सकते हैं। रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, जो कि कालका महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है और इसे भारत के विभिन्न शहरों से नियमित ट्रेनें जोड़ती हैं। कालका रेलवे स्टेशन मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है और आप मंदिर तक पैदल या स्थानीय परिवहन का उपयोग करके आसानी से पहुंच सकते हैं। आप सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं या खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। कालका सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और नजदीकी शहरों जैसे चंडीगढ़, शिमला और दिल्ली से बस और टैक्सी उपलब्ध हैं। यदि आप चाहें तो कालका जाने के लिए रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताता हूं अच्छा समय क्या है मंदिर में प्रवेश करने की। कालका के शनि देव मंदिर सुबह समय से खुलता है और दिन भर खुला रहता है। मंदिर का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले वर्तमान समय की जाँच करना उचित होगा। मंदिर के धार्मिक और चढ़ावे, सभी मंदिर का अलग अलग नियम होता है, इस मंदिर का भी अलग नियम है। मंदिर में क्या क्या चढ़ा सकते हैं जिससे आपके सुख शांति मिले जीवन में। भक्त शनि देव को तेल, काला कपड़ा और काले तिल की चढ़ावट करते हैं। मान्यता है कि इन चीजों की प्रस्तुति से शनि के नकारात्मक प्रभाव को दूर किया जा सकता है। आप मंदिर में फूल, नारियल और प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, पवित्र भोजन भी। यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय क्या है। मंदिर में शनिवार को अधिकांश भक्त आते हैं, क्योंकि यह शनि की पूजा के लिए शुभ दिन माना जाता है। हालांकि यदि आप भीड़ से बचे रहना पसंद करते हैं तो आप बुधवार के दिन या उस समय मंदिर के खुलने के पहले जा सकते हैं। शनि देव मंदिर की यात्रा के दौरान आप काली माता मंदिर जा सकते हैं, पिंजो बाग में भी घूम सकते हैं और 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान शिमला जा सकते हैं। यहाँ भी और भी अच्छी अच्छी आकर्षण है जिसका आनंद ले सकते हैं। स्थानीय रीति रिवाज और शिष्टाचार, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है मंदिर के लिए। मंदिर यात्रा के दौरान साधारण और सजग ढंग से पहने और आचार व्यवहार का ध्यान रखें। प्रवेश करने से पहले अपने जूते निकालें और पुजारियों और सहभागियों के प्रति सम्मानपूर्वक रहें। यात्रा के लिए आगे के परिस्थितियों या मंदिर प्रबंधन नीतियों के कारण किसी विशेष दिशा निर्देश या नियमों की जांच करना याद रखें। स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करना या अग्रिम अनुसंधान करना हमेशा सहायक होता है, ताकि आपकी कालका में शनि देव मंदिर की यात्रा सुखद और समृद्ध हो सके। ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के पास शेयर करें, पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।